मध्य प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक के कुल 16 आइटम पूरी तरह से बैन कर दिए हैं। इनके उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर रोक भी लगा दी गई है। वहीं नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रशासन द्वारा कठोर कार्रवाई की जाएगी, जिसके अंतर्गत खरगोन में सिंगल यूज प्लास्टिक पर कार्रवाई की गई। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। खरगोन में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक पर कार्रवाई को लेकर नगरपालिका एक्शन मोड में नजर आई। करीब 5 लाख रुपए से अधिक की पॉलिथीन और अमानक प्लास्टिक की बड़ी मात्रा में सामग्री जब्त की गई। शहर की करीब 1 दर्जन से अधिक थोक दुकानों से प्लास्टिक की थैलियां, थर्माकोल समेत एसिड की बोतलें भी इस दौरान जब्त की गई। CMO प्रियंका पटेल की अगुवाई में नगरपालिका और पुलिस की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। CMO प्रियंका पटेल ने बताया कि कई बार समझाइश दी गई थी, शासन के प्रतिबंध के बाद आज कार्रवाई कर करीब 5 लाख रुपए की प्रतिबंधित सामग्री जब्त की गई है। शहर में लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पे पूर्णतः प्रतिबंधन है। इसके लिए हम लोग काफ़ी दिनों से अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं, जन जागरूकता भी हम लोगों ने की, सबको बताने की कोशिश की कि ना उपयोग करने वाले उपयोग करें और ना देने वाले और बेचने वाले इसको बेचें। इसी को लेके अब हमारा IEC करने का जो सूचना देने का लोगों को समय था वो समाप्त होकर आज से जो है हमने कार्रवाई करना शुरू की है। और अभी भी मेरे सभी से अपील है कि अपने घरों से जब भी निकलें तो आप अपना थैला स्वयं लेके चले साथ में। आपको मार्केट में प्लास्टिक नहीं मिलेगी अब, और किसी को भी कहीं प्लास्टिक अगर कोई यूज़ करते मिलता है तो हमें सूचना दें। आज जो है हम लोगों ने अभी सुबह से 4-5 दुकानों पर बड़ी कार्रवाई कर चुके हैं। इनमें ज़्यादातर हमारे वो लोग थे जो थोक का काम कर रहे थे प्लास्टिक और डिस्पोजेबल को लेके। इसमें सिंगल यूज़ जो कप्स रहते हैं, प्लेट्स रहती हैं, स्पून्स रहती हैं, थर्माकोल के जो यूज़ कर रहे हैं वो हम लोगों ने आज यहाँ पे कार्रवाई की है। और लगभग हमें अभी तक 2.5 से 3 लाख रुपए का माल जी बिल्कुल अमानक एसिड जो बिना लाइसेंस के बिक्री हो रही थी वो भी हमें मिला है। इसमें हम लोगों ने इन पे चालानी कार्रवाई की है। और जैसे ये बड़ी दुकान है, गोडाउन है इनका, तो ये हम सील करेंगे। एसिड आराम से आपका 60 लीटर है ये बिल्कुल, और बिना लाइसेंस से कोई इसको बेच नहीं सकता है, इसका प्रकरण अलग से पंजीबद्ध होगा। कार्यवाही के दौरान नगरपालिका CMO प्रियंका पटेल, स्वास्थ्य अधिकारी प्रकाश चित्ते और सब इंस्पेक्टर आत्माराम अशारे भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, खरगोन।